वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक सिक न्यूज़ लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा के ढाबे का वीडियो कितना वायरल हुआ था और लोगों ने उनकी काफी हेल्प की। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही आमिर सिद्दीकी ने कुछ स्टोरीज अपलोड की है जिसमें लिखा ये है कि मुंबई के भेंडी बाजार मैकडोनल्ड्स के पास ये ओल्ड मैन की चैन और दूसरी चीजें बेच रहे हैं ताकि अपनी फैमिली को खिला सके। उनके पास कस्टमर्स भी नहीं है की चैन खरीद के उनकी हेल्प करने के लिए। वो इतने बूढ़े हैं कि सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे। बाबा के ढाबे के बाद इनकी हेल्प कीजिए ताकि वो पैसे कमा सके। मुंबईकर्स, क्या हम इस अंकल की हेल्प कर सकते हैं? चलिए सब भेंडी बाजार पहुंचते हैं और इसे पॉसिबल बनाते हैं। अब हैप्पीनेस की चैन टूटनी नहीं चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए, आइए देखते हैं। गाइस, जैसे अपने प्यारे भाई लोग ने दिल्ली में बाबा के ढाबा को फेमस करके उनको हेल्प किया, सेम वे अपन जितनी भी जगह पे ऐसे बाबा लोग हैं जो मेहनत कर रहे और ओल्ड एज में भी इतनी मेहनत करके कमाई कर रहे, अपने घर को सपोर्ट कर रहे, तो व्हाई नॉट अस। तो सेम वे मुंबई में मैंने देखा भेंडी बाजार में देयर इज दिस चाचा हु इज सेलिंग कीचेन्स एंड ही इज वेरी ओल्ड, ही कांट इवन वॉक प्रॉपरली। सो क्यों ना हम उनकी भी हेल्प करें। तो मुंबई में जितने लोग हैं, जैसा अपने दिल्ली में भाई लोग ने किया वैसा अपन लोग यहाँ पे करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। एंड लेट्स नॉट ब्रेक दिस चेन ऑफ हैप्पीनेस जो दिल्ली से शुरू हुई थी, अब मुंबई में और जितनी भी जगह पे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्प करते हैं। वैसे गाइस, वीडियो एंड तक देखते रहना क्योंकि आमिर सिद्दीकी से रिलेटेड और दो इंपॉर्टेंट न्यूज आने में है, जिसमें से एक में जो है आमिर सिद्दीकी ने कैरी मिनाटी से रिलेटेड कुछ कहा है। गाइस, अगली न्यूज आती है अमित भड़ाना की तरफ से। तो लगता है इनका न्यू वीडियो बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि उन्होंने स्टोरी अपलोड करते हुए कहा अगली वीडियो, और तो और एक वीडियो अपलोड किया छोटा सा जिसके कैप्शन में लिखा है धमाका ऑन द वे और तो और कहा एक्साइटेड ? सो लेट्स सी, देखते हैं कौन सा वीडियो आता है और कब तक। गाइस, अगली न्यूज आती है सिद्धार्थ निगम की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि हमेशा सिद्धार्थ निगम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो ऐसे ही एक ट्रेनिंग के दौरान उनके हाथ जख्मी हो गए। तो ये रहा ट्रेनिंग का वीडियो, और तो और उन्होंने स्टोरी डालते हुए कहा जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ माई ट्रेनिंग, फिर कहा दैट्स हाउ यू बिकम स्ट्रांग, और ये रही बाकी की कुछ स्टोरीज। वैसे गाइस, जब सिद्धार्थ निगम की बात निकली गई है तो चलिए चलते हैं अवनीत कौर और रियाज की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी सारे लोग जो है अवनीत कौर और सिद्धार्थ निगम की जोड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आजकल जो है अवनीत रियाज के साथ ज्यादा रहती है जो लोगों को पसंद नहीं आता, और इस वजह से आजकल अवनीत को काफी हेट मिल रहा है। और तो और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि रियाज और अवनीत कौर ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिए, शायद इनके बीच कुछ अनबन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हां, वो इसलिए क्योंकि रियाज ने अवनीत के बर्थडे पर ये वाली पोस्ट अपलोड करते हुए कहा हैप्पी बर्थडे अवनीत, तो इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि इनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन काफी सारे लोग मुझे मैसेजेस करके बोल रहे थे कि भाई ये लोग जानबूझ के एक दूसरे को अनफॉलो किए हैं ताकि सिडनीत फैंस की तरफ से ज्यादा हेट नहीं है। बाकी आप लोग का इससे रिलेटेड क्या कहना है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि कल के दिन अवनीत कौर का बर्थडे था, तो बर्थडे के दिन अवनीत कौर ने ये वाली फोटो अपलोड की जिसके नीचे कुछ अलग सा कैप्शन है, लिखा ये है कि इतने टाइम में मैंने कुछ सीखा है कि हर एक मोमेंट को कितना इंपॉर्टेंटली जिया जा सकता है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी एकदम प्लेन रोड जैसी होती है या कभी रास्ते में कुछ रुकावटें आती है। कभी कभी आपको लगता है कि सब चीजों से दूर चले जाऊं, और कभी लगता है आपसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप हेट हैंडल नहीं कर पाते, और कभी इतना प्यार होता है कि आप फूले नहीं समाते, लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो सब दिखेगा जो आपने पाया है और आपने खोया है। पर आप सबको इन सब से मूव ऑन करना पड़ता है क्योंकि ये आपकी एंडिंग नहीं है, लाइफ आगे बढ़ती रहती है और बहुत से सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे आपकी जिंदगी में जिससे आपका माइंड ब्लो हो जाए। और ये सब के बाद बस मैं यही कहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक और साल देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि अवनीत कौर को आजकल हेट आ रहा है, और आप लोग ने नोटिस किए होंगे कि कैप्शन में भी अवनीत ने हेट से रिलेटेड बात की है। गाइस, अगली न्यूज़ आती है फैसू की तरफ से। क्या आप लोग ने एक बात को नोटिस किए? जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था कि जन्नत मिर्जा जो है Q&A कर रही थी, जहां पर किसी ने क्वेश्चन किया यू आर इंडियन फेवरेट टिकटॉकर, जिस पर जन्नत ने कहा फैसू 07, और इसके बाद जो है फैसू ने उस स्टोरी को अपनी स्टोरी में भी पोस्ट किए। बट क्या आप लोग ने नोटिस किए कि फैसू ने उस स्टोरी को रिपोस्ट नहीं किए है, उन्होंने जन्नत की स्टोरी का स्क्रीनशॉट अपलोड किए थे। अब पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, बहुत से लोग अलग अलग कह रहे हैं इस पर। आप लोग का इससे रिलेटेड क्या ख्याल है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और तो गाइस, आजकल जो है फैसू और रूही साथ में काफी नजर आ रहे हैं, स्टोरीज पोस्ट कर रहे हैं, तो भाई लगता है इनकी कोई तो शूटिंग चल रही है। सुनने में आया है कि वेब सीरीज की शूट ही कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे गाइस, जब जन्नत मिर्जा से रिलेटेड बात निकली गई है तो मैं आप लोग को बता दूं कि जन्नत मिर्जा ने ये फोटो अपलोड की जिसके नीचे किसी ने कमेंट करते हुए कहा व्हाट डू यू थिंक अबाउट टिकटॉक, इट विल बी अनबैन और नॉट, योर ओपिनियंस। उस पर जन्नत ने कहा इट विल बी अनबैंड सून। तो जन्नत का कहना यह है कि टिकटॉक
अनबैन बहुत जल्द हो जाएगा। गाइस अगली न्यूज आती है अश्नूर कौर की तरफ से। तो हुआ कुछ ऐसा कि अश्नूर कौर और मिलिंद गाबा की तरफ से एक न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है क्या करूं। अब जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ तो काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस सॉन्ग को जो है कॉपी किया गया है यशराज के इस वाले सॉन्ग से जिसका भी नाम है क्या करूं। बेसिकली लोगों का कहना यह है कि दोनों सॉन्ग काफी सिमिलर है, मतलब कि यशराज के सॉन्ग को कॉपी किया गया है, लेकिन अश्नूर के ये वाले सॉन्ग में कहीं भी यशराज को क्रेडिट नहीं दिया गया। एनीवेज अगर आप लोग ने ये दोनों वीडियो देखे होंगे तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को क्या लगता है कि कॉपी किया गया है या नहीं। गाइस अगली न्यूज़ आती है शादाब और मुस्कान की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों का जो है ब्रेकअप हो चुका है और उसके बाद से मुस्कान कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते रहती है। अब होता कुछ ऐसा कि मुस्कान ने एक कॉमेंट का रिप्लाई दी है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद शादाब और मुस्कान की मॉम के बीच कुछ हुआ है। अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन कॉमेंट्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं किसी ने कहा दिल तोड़ने वालों की माफी नहीं होती। उस पर मुस्कान ने कहा मेरा दिल तोड़ने के लिए उसको माफी है लेकिन मेरी माँ का दिल दुखाने की माफी उसको कभी नहीं मिलेगी और प्लीज उससे रिलेटेड मत बात करो। तो लगता है इस वजह से ही दोनों अलग हुए हैं। गाइस अगली न्यूज़ आती है जन्नत जुबैर की तरफ से। मैं आप लोगों को बता दूं कि जन्नत को मिल गया है IWM बस की तरफ से अवार्ड। जी हाँ, जो कि है मोस्ट वेल ग्रूम्ड स्टार का अवार्ड। और तो और भाई IWM की तरफ से कुछ पोस्ट आई है जहाँ पर विनर्स अनाउंस किया गया है, जैसे कि जन्नत, अमूल्या और तो और लकी डांसर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में कहा था कि जन्नत जो है वीवो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर लाइव आने वाली, तो वो आई थी। जी हाँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फैसू और जन्नत ने कुछ फैन पेजेस ज्वाइन करके रखे हैं और वो लोग वहां पर बात भी करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि ऐसी एक फैन पेज की तरफ से जन्नत जुबैर के मैसेज का स्क्रीनशॉट आया है जहां पर जन्नत ये कहती है अरे आई वॉज गोइंग फॉर अ रामजी सॉन्ग ओनली टू दुबई, लेट्स सी कब जाऊंगी, रामजी तो उधर ही है अभी कुछ टाइम तक। तो लगता है भाई जन्नत का न्यू सॉन्ग आने वाला है जो कि दुबई में शूट होगा और वो सॉन्ग रामजी का होगा। और तो और आप लोगों को पता होगा कि फैन पेजेस आपस में लड़ते रहते हैं, तो उस पर जन्नत ने कहा जस्ट डोंट फाइट विद अदर फैन पेजेस, ओके, पीपल हैव स्टार्टेड फाइटिंग द नेम ऑफ फैन पेजेस। गाइस अगली न्यूज़ आती है हिंदुस्तानी भाऊ की तरफ से। तो इंडिया फोरम्स के चैनल पर भाऊ का इंटरव्यू आया है, अगर आप लोगों को पूरा देखना रहेगा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आइए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता है कि भाऊ का न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है मुंबई मचांड। उस सॉन्ग को भाऊ ने जो है ट्वीट करते हुए टैग किए थे रफ्तार और बादशाह को, जिसके बाद भाऊ को काफी हेट आ रहा था कि वो जो है लगता है टारगेट कर रहे हैं रफ्तार और बादशाह को। तो उसी से रिलेटेड भाऊ ने कुछ कहा है, आइए देखते हैं। भाऊ ने ट्विटर पे बादशाह और रफ्तार को टैग किया है, भाऊ उनको कुछ बोलने वाले हैं। सोच है ना, सोच जिनकी छोटी होती है ना वो ऐसे बातें करते। अभी वो है रैपर तो मैंने वो रैप जैसा गाया है तो मैंने उनको वो टैग किया है। यूट्यूब पे कुछ दुकानें चालू हो गई है, हालांकि मेरे को बादशाह बहुत अच्छा लगता है। भाऊ ने ऐसा किया है, भाऊ ने वैसा, चलने दो, मैं परवाह भी नहीं करता। आपको बोल दिया बोल दिया, जिसको जो करना है वो कर ले। फिर भाऊ से पूछा गया कि आपका जो इंस्टाग्राम सस्पेंड हो चुका है उसकी क्या अपडेट है। क्या है, मेरी जो पीआर टीम है ना वो कर रही है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं जवाब देना छोड़ने वाला नहीं, सिर्फ अभी मैं चुप हूँ। इसके के मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट, फेसबुक अकाउंट बंद है, इसके लिए जैसा आएगा वैसा फिर से भाऊ चालू होगा। फिर हिंदुस्तानी भाऊ से पूछा गया कि क्या आप बिग बॉस के इस सीजन में जाना चाहोगे। जाऊंगा तो भी 10 दिन के लिए जाऊंगा, उसके ऊपर मैं नहीं रह सकता अंदर। और अगर सच में अभी अगर गया ना मैं अंदर, धमाल करूंगा धमाल, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को 10 दिन के लिए लाया है। मैं ऐसी धमाल करूंगा ना, ऐसी धमाल, बाबा बाबा कमाल एकदम हो जाएगा। समझ गए ना भाऊ, धमाल कर देंगे, बाबा बाबा। और आखिरी में उन्होंने बात की अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। अभी और मेरे 5 गाने रिलीज होंगे, 2 पिक्चर आने वाले बहुत जल्दी, 2 वेब सीरीज है। Okay. वैसे जब बिग बॉस से रिलेटेड बात निकली गई है तो चली चलते हैं सलमान खान की तरफ। अब आप सबको तो पता ही होगा अर्णब गोस्वामी का ये वाला वीडियो। कहाँ छिपा हुआ है, ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? बात क्या हो रही थी और कहाँ जा रहे हैं आप? बोलते बंद क्यों? अर्णब जी आप क्या बोलते हैं? नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर। अर्शद कहाँ है सलमान खान? स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ, बोलती बंद क्यों? अब इसके बाद सलमान खान की तरफ से कुछ रिस्पांस तो नहीं आया था, लेकिन होता कुछ ऐसा कि सलमान खान ने जो है बिग बॉस में इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात कही जिसे देखकर लोग समझ गए कि वो अर्णब गोस्वामी को ही कह रहे हैं। अब ऐसा लोगों का कहना है, आप लोग वो छोटी सी क्लिप देख लो और आपको क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। बॉस के अंदर या किसी भी शो के अंदर, अब जैसे हम लोग फिल्में करते हैं तो फिल्में कौन देखता है? ऑडियंस। अब हम सबको टीआरपी चाहिए, करेक्ट? तो उसके लिए यू विल हैव टू प्ले द राइट गेम। ये नहीं कि टीआरपी आप कुछ भी करके लेके आए, वो आप मेक ए बिगर बेटर ऑनेस्ट रियल, नॉट बाय
कि यार ये बकवास चल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ भी उल्टा सीधा बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, चिल्ला रहा है, हम खां पॉइंट ही नहीं है, वो आपका चैनल को ऑफ कर देंगे। जो मुझे कहना था इनडायरेक्टली मैंने कह दिया। और गाइज इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो ये कि रिपब्लिक और टाइम्स नाउ की मुश्किलें और बढ़ गई। शाहरुख, सलमान, आमिर खान और 34 प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किए हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी अपने न्यूज चैनल पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चैनल जो सेपरेट मीडिया ट्रायल्स चला रही है वो भी अलाउ ना किया जाए। अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर और बाकी बहुत से नाम है, ऐसे कुछ 34 बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने केस फाइल किया है रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ पे। और तो और यहाँ पर यह भी लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ महीनों से कुछ न्यूज चैनल खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इससे रिलेटेड भी आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस अगली न्यूज आती है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा था कि आमिर सिद्दीकी ने जो है कैरी मिनाटी से रिलेटेड कुछ कहा है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो होता कुछ ऐसा कि आमिर ने एक रील वीडियो अपलोड किया जिसके नीचे किसी ने कमेंट किया, लव यू फ्रॉम अ कैरी फैन, मे यू बोथ बी फ्रेंड्स। उस पर आमिर ने कहा, ही इज नॉट माय एनिमी, दिस इज सोशल मीडिया, रियल लाइफ इट्स डिफरेंट लाला। और गाइस जो अगली न्यूज है आमिर की तरफ से वो ये कि जी म्यूजिक कंपनी में जो है आमिर सिद्दीकी का सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है सॉरी। गाइस अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटी न्यूज के बारे में। तो अशी खन्ना को फीचर किया गया फिट लुक मैगजीन में। समीर मार्क की तरफ से कुछ स्पेशल आने वाले, उन्होंने कहा समथिंग स्पेशल कमिंग सून। और तो और शिफू और फैज बलोच की तरफ से भी कुछ स्पेशल आने वाला है, समथिंग एक्साइटिंग कमिंग रियली सून। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रही आईडी। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय स्लैप।